खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस याम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारत के भूगोल से संबंधित है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों से रहेगी। याद रखिएगा यह क्लास वह असिस्टेंट प्रोफेसर के कंपलसरी पेपर जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे प्रश्न आते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं भारत की वनस्पतियाँ। जैसा कि आप जानते होंगे भारत के समान भूगोल को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे चैप्टर को पढ़ा, और ताकि कहीं से प्रश्न आए तो आपसे गलत ना हो, सभी प्रश्न आपको समझ में आए। कुछ प्रश्न अगर नहीं भी आता हो तो एलिमिनेट करके, खारिज करके आप प्रश्नों को हल करने की क्षमता विकसित कर लें। इस क्रम में आज हम लोग की क्लास है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। आइए देखा जाए भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, तापमान, वर्षा, मृदा, ऊंचाई। याद रखिएगा ये चार जो है कारण है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने के, ठीक है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की घटना के लिए तापमान का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जिस स्थान पर वर्षा होती है वहां की वनस्पतियां सघन होती हैं। जिस स्थान पर मृदा की मोटाई अधिक होगी वहां वनस्पतियां सघन होगी। याद रखिएगा सिंपल सा फंडा है, ऊंचाई वाले स्थानों पर मिट्टी का कटाव होने के कारण वनस्पतियां विरल होंगी, आप सघन विरल समझ रहे होंगे। वही मैदानी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थान से मिट्टियां इकट्ठा होने के कारण वनस्पतियां जो है सघन होती हैं। भारत में पांच प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। पहला आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ या पर्णपाती वन, तीसरा पर्वती वन, और चौथा कटीली झाड़ियाँ, और पांचवा मैग्रोव वन। याद रखिएगा वैसे मुख्य रूप से दो ही वन भारत में पाए जाते हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वन, जिनके साल के कुछ महीनों में एक साथ पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ कहा जाता है, और जिनकी पत्तियां साल में नहीं झड़ती या सभी पौधों का जो है एक साथ नहीं झड़ता उन्हें सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। वनस्पतियाँ बिल्कुल मुझे तो बहुत प्रिय हैं, और मैं बिना इनके सुबह शाम साथ रहे नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं अपने छत पे बालकनी में रूम तक भी मैं इसको लगा रखा हूँ। बोकासी नाम का एक पाउडर होता है, आप जानते होंगे घर में किचन से जो भी निकलता होगा, जो जैविक जो कचरा आप देखते होंगे किचन का, उसको आप एक डब्बे में डाल दीजिए और उसके ऊपर से बोकासी पाउडर थोड़ा छिड़क के उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। तीन चार हफ्ते बाद वो आपको जैविक खाद बन जाएगा, बाहर से मिट्टी नहीं लाना पड़ेगा, जो आप गमला लगा रखे हैं उसी में जो है आपकी वनस्पतियां जो है उगती रहेंगी, फल फूल या जो भी पौधे लगाएंगे आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, याद रखिएगा, तो वनस्पतियों के साथ रहना चाहिए। जब भी पढ़ते पढ़ते मूड आपका डिस्टर्ब हो तो जाके वहीं वनस्पतियों के पास ही बैठना चाहिए। मैं तो सुबह योगा भी इन लोगों के साथ ही बैठ के करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा कम होगी। बताया गया था कि जब आप ऊपर जाएंगे, जमीन से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ताप में कम होगा, ताप में कमी होगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो क्या होगा, वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे वनस्पतियां सघन नहीं होंगी, ठीक है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाएंगे तो आपको जो है वहां वर्षा कम मिलेगा, वनस्पतियां कम मिलेगी। जैसे सबसे अधिक ऊंचाई पे सियाचिन है, बर्फ रहता है, वनस्पतियां वहां पे नहीं मिलेगी। मर्म वाले स्थान या घास के मैदान जो होते हैं, या जो मीडियम क्लास की ऊंचाई पे जो पहाड़ होते हैं जहां घास का मैदान होता है, वहां क्या होता है बारिश, हर मौसम होता है वहां पे बारिश भी होती है और वहां वनस्पतियां अच्छी होती है, पशुपालन वहां अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कटीली वनस्पतियों में कांटे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम कर देता है। मैग्रोव वनों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। मैग्रोव वन या अनूप वन या कच्छ वनस्पतियां खारे जल में पाई जाती हैं। भारत के राज्यों में मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाया जाता है, याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट है, ये टेस्ट है हमारी टीम द्वारा बनाया गया, बहुत अच्छा जीएस पेपर है। इसकी वैलिडिटी यूपीएचएससी 51 तक है, याद रखिएगा। सभी चैप्टर का पहले आपको ई पीडीएफ मिलेगा, फिर वीडियो मिलेगा, फिर टेस्ट मिलेगा। एक ही चीज को तीन बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, लास्ट में फाइनल टेस्ट आ देंगे, तब जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगा। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको, ई पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे 2014 से लेकर अब तक, इसमें साल भर पेपर और वीडियो क्लासेस मिलेंगे, रेगुलर क्लासेस में आपको मिलता रहेगा अपडेट होगी एग्जाम तक। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में सभी क्लास पीडीएफ और टेस्ट मिलेंगे। आप याद रखिएगा, यूट्यूब से पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, जो है इसको परचेज करने पे पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब के सभी क्लासेस नहीं मिलते हैं, कुछ आते हैं तो अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसमें टेस्ट के रूप में सैकड़ों की संख्या में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी 1299 में दिया जा रहा है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए, ठीक है। टीम द्वारा ये चार पुस्तक निकाली गई है, चारों अलग अलग है, याद रखिएगा। 80 मॉडल पेपर है कुल इसमें, आप चाहे तो अमेजन से ही मंगा सकते हैं इसको। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है और ये ओमार सीट आपको फ्री में दी जा रही है, मात्र 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसमें चुनिंदा प्रश्न है, आपको किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले इसके समान ज्ञान के प्रश्नों को जो है जरूर पढ़ के जाना चाहिए। दो तीन बार पढ़ने के बाद आपको जो है वो मार्कशीट भर लेना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसके रूप बदल के। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें वीडियो के सभी लिंक दे दिए जाते हैं, आगे चल के एमसीक्यू इस पे हल कराए जाएंगे। नेक्स्ट आइए देखा जाए, देवदार वृक्ष की लकड़ी से रेलगाड़ी का स्लीपर बनता है। ऐसे वन जो वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सदाबहार वन उन वनों को कहा जाता है जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है। सदाबहार वन हमेशा हरा भरा दिखाई देते हैं। सदाबहार वन के अंतर्गत बांस, केला, राजूट, मोहगनी, चंदन, ठीक है, रबड़, नारियल आदि आते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, चार वृक्ष का नाम दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सदाबहार वन का उदाहरण नहीं है, और आपको उसमें से छांटना रहेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो सदाबहार वन को याद रखिएगा, बांस, केला, राजवुड, महोगनी, चंदन, रबड़, नारियल आदि। या पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन वृक्ष अन्य वृक्षों से भिन्न है, नीम, आम, तुलसी, और लिख देगा चंदन, ठीक है। तो आपको छांटना रहेगा कौन सा भिन्न है इसमें से, चंदन भिन्न है। क्यों भिन्न चंदन क्यों है, क्योंकि वो सदाबहार वन है, बाकी पर्णपाती वन है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय देहरादून में है, आप याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय भोपाल में है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय शिमला में है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रथम बार भारत में लागू हुआ, ठीक है। 1952 के वन नीति को संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 में घोषणा किया गया। सन सीधे सीधे पूछ सकता है कि भारत में प्रथम वन नीति कब लागू हुआ, भारत में प्रथम संशोधित नीति कब लागू हुआ, चार आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से छांटना रहेगा, इसको देख लेंगे आप। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिनियम लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कई बार पूछ चुका एग्जाम में ये, तो सामाजिक वानिकी 1976 में, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1972 में, आप याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ ही आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन, जनरल स्टडीज एग्जाम